वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अमन राव, आपका स्वागत है वीके न्यूज में। तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का आज अंतिम संस्कार किया जा रहा है। रावत को 17 तोपों की सलामी दी जाएगी और अंतिम संस्कार के दौरान 800 सैन्य कर्मी मौजूद रहेंगे। वैसे तो आमतौर पर भारत में 21 और 17 तोपों की सलामी दी जाती है। सवाल उठता है कि आखिर बिपिन रावत को 17 तोपों की सलामी ही क्यों दी गई। भारत में तोपों की सलामी की परंपरा ब्रिटिश राज से शुरू हुई थी। उन दिनों ब्रिटिश सम्राट को 100 तोपों की सलामी दी जाती थी। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान और कनाडा सहित दुनिया के कई देशों में अहम राष्ट्रीय दिवसों पर 21 तोपों के सलामी की परंपरा रही है। भारत में गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। आपको बता दें, 17 तोपों की सलामी हाई रैंक के सेना अधिकारी, नेवल ऑपरेशन के चीफ और आर्मी और एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ को दी जाती है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को भी 17 तोपों की सलामी दी जाती है। चूंकि ये पद सेना से जुड़ा हुआ है, इसलिए उन्हें भी 21 नहीं बल्कि 17 तोपों की सलामी ही दी जाएगी। कई मौके पर भारत के राष्ट्रपति, सैन्य और वरिष्ठ नेताओं को अंतिम संस्कार के दौरान 21 तोपों की सलामी दी जाती है। कहा जाता है कि तोपों की सलामी देने का प्रचलन 14वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। उन दिनों जब भी किसी देश की सेना समृद्ध के रास्ते किसी भी देश की जाती है तो तट पर 7 तोपों फायर की जाती है। इसका मकसद यह संदेश पहुंचाना होता था कि वो उनके देश पर हमला करने नहीं आए हैं। उस समय यह भी प्रथा हुई थी कि हारी हुई सेना को अपने गोला बारूद खत्म करने के लिए कहा जाता था, जिससे वे उसका फिर इस्तेमाल ना कर सकी। जहाजों पर 7 तोपों का हुआ करता था क्योंकि 7 की संख्या को शुभ माना जाता था। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।